आप देख रहे हैं वाइज एफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। चलिए बात करते हैं आज मध्य प्रदेश में अपराध की बड़ी खबरों की। तो नीमच में बाबू सिंधी को अस्पताल लाई पुलिस। जिला अस्पताल में हुआ कुख्यात तस्कर का मेडिकल समाजी सेवी अरोरा पर हुए हमले के बाद से चल रहा था फरार। वांछित अपराधियों की धरपकड़ में चित्तौड़गढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। जिले भर में दबिश देकर किया 477 आरोपियों को गिरफ्तार। नीमच में नहीं थम रहा वारदातों का सिलसिला। जिले के भरभड़िया गांव से सामने आया हत्या का बड़ा मामला। आरोपियों ने रात के अंधेरे में की 50 वर्षीय व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या। 1,00,000 रुपए पर किया हादसा। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले इंदौर एयरपोर्ट पर डीआरआई ने फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ पकड़े 2 यात्री। सोने की तस्करी का है संदेह। एटीएस कर सकती है पूछताछ। इंदौर में प्याज व्यापारी के साथ हुई 1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी। फरियादी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। टीम का गठन कर पुलिस ने शुरू की जांच। जबलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रामराज की हत्या करने वाले भाजपा नेता आशीष को किया गिरफ्तार। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी। तो ये थे आज के मध्य प्रदेश में कुछ बड़े अपराध की खबरें। लगातार ऐसी ही तमाम बुलेटिन और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।